अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस समय मैं हूँ अभी लुलू हाइपर मार्केट में और यहाँ पर आया था मैं थोड़ा सा ब्रेकफास्ट का सामान लेने के लिए। मैंने सोचा कंटेंट क्रिएट किया जाए क्योंकि हमको चाहिए कंटेंट। कंटेंट नहीं मिलेगा और कहीं जाएंगे तो उसका भी कोई फायदा नहीं, तो जल्दी से जो है मैं नाश्ते का सामान ले लूँ क्योंकि टाइम ऐसा हो गया, क्योंकि ड्यूटी जाने से पहले मैं इधर आया क्योंकि 4-5 दिन गुजर गए थे लेकिन इधर आना नहीं हुआ क्योंकि लेट रात फ्री होता हूँ तो फिर हिम्मत नहीं पड़ती आने की। तो बस इधर से सामान लेके चलते हैं, उसके बाद देखते हैं फिर कहाँ जाना होगा कहाँ नहीं। वही तो कह रहा हूँ, शायद मेरे को भी नहीं दिख रहा रोस्टेड वाला चना, हमारे यहाँ उसको बोलते हैं खिला हुआ चना, वो दिखाई नहीं दे रहा। ये है चिक पीस और उसके बाद से जो है थोड़ा थोड़ा ऐसा चना होता है, देखो ये हमारे यहाँ काबुली बोलते हैं इसको, फ्लो के अच्छा रहता है। ये है मेरे पास अभी लेकिन दूसरा वाला नहीं मिल रहा, पहले इधर था इधर सेक्शन में लेकिन अभी नहीं दिख रहा वो। मेरा एक खुद का डायलॉग है, जहाँ मैं खड़ा होता हूँ वहाँ से लाइन खत्म हो जाती है क्योंकि जिस चीज के लिए मैं लाइन में लगता हूँ वो चीज ही खत्म हो जाती है। जैसे कि अभी यहाँ पे रोस्टेड चना खत्म हो गया, वो भी लुलू हाइपर मार्केट में। सोचने वाली बात नहीं है, ऐसा मेरे साथ होता अधिकतर। ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो ड्राइविंग करने के साथ साथ में मस्जिद क्लीनिंग के काम में आना चाहते हैं। अब भाई मेरा काम है कंटेंट प्रोवाइड कराने का, इन्फॉर्मेशन देने का। जो मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई वो मैं आप तक शेयर कर रहा हूँ, तो मेरा काम है रियलिटी दिखाने का। इसमें न्यू ड्राइवर का जैसे सेल पैकेज अभी 1400 सऊदी रियाल लग रहा है सऊदी अरब के अंदर, तो आपको 1400 रियाल ही मिलेगा। लेकिन इसमें आपको अलग से मस्जिद की साफ सफाई करनी पड़ेगी, वो काम आपको करना पड़ेगा जरूर, क्योंकि उसने साफ साफ बता दिया है सफाई करनी पड़ेगी तो वो आपको काम करना पड़ेगा। रूम मिलेगा इसमें घर की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से क्योंकि खाना अपना ही होता है। खाना अब आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपको बड़ी बैंड है। एज लिमिट चाहिए सिर्फ 21 से लेकर 35 तक की। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है कोई इस कंडीशन में आने के लिए तो आ सकते हैं। अब मैं किसी से ज़बरदस्ती को तो कर नहीं रहा कि भाई आप आइए इसमें आप आइए। बहुत सारे भाई कह रहे हैं 1400 रियाल में क्या हो रहा है, भाई 1400 का 32-33 हज़ार हो रहे हैं। भाई कौन सी ड्राइविंग में कमा रहे हो आप इंडिया में 32-33 हज़ार जो फेंकते हो, हद होती है मतलब फेंकने की। मुझे तो ऐसा लगता है अगर इन लोगों के बस में होता ना रोजी रोटी देने का तो ये देते नहीं बिल्कुल भी भाई। अब रोस्टेड चना नहीं मिला तो मैंने ये ले लिया फूल सुदानी, ये फूल हिंदी, ये चिक पीस जिसको हम अबियत बोलते हैं और ये है जबीब असफर। अब यही अपना नाश्ता होगा, तो बस इतना ही काफी है नाश्ते के लिए, बाकी कुछ देखेंगे बाद में। नाश्ते में ये पता क्यों यूज करता हूँ क्योंकि जो मेरे साथ रहते हैं उनको पता होगा, बस इसलिए ये। और टाइम की भी बचत हो जाती है इससे, जब तक ड्यूटी बजाओ एक दिन पहले जाके इसको रेडी करके रख दो, दूसरे दिन सुबह में मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में खा लो। ये है सैमसंग का लोगो बैक साइड में और इसके ये है रियर के कैमरे। इसकी बॉडी पर राइट साइड में सबसे ऊपर मिलेगा ये वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल और नीचे ये है पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल। नीचे मिलेगा स्पीकर और ये USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट। और ये है सैमसंग गैलेक्सी S23 FE की डिस्प्ले और ये डिस्प्ले मिलेगी आपको 6.4 इंचेस की फुल HD में डायनामिक अमोलेड 2X के साथ 120 हर्ट्ज का जो है डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलेगा आपको। और ये जो है 5G नेटवर्क के साथ मिलेगा और ये 2 इंटरनल मेमोरी के साथ आपको मिल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में 8GB रैम मिलेगी और 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। रियर में मिलेंगे आपको 3 कैमरे, सबसे पहला मेन कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50 मेगापिक्सल का, दूसरा कैमरा मिलेगा इसमें 8 मेगापिक्सल का, तीसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 12 मेगापिक्सल का। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में फ्रंट कैमरा आपको मिलेगा 10 मेगापिक्सल का। प्रोसेसर की बात करें तो ओक्टा कोर का इसमें चिपसेट रहेगा और CPU की स्पीड इसमें रहेगी 2.8 GHz, 2.5 GHz और 1.8 GHz। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में इसका वेट रहेगा 2.9 ग्राम का। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE में 4500 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के यहाँ पर रेगुलर प्राइस की बात करें 128GB इंटरनल स्टोरेज के साथ इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 2499 रियाल, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा पूरे 1599 रियाल। और सेकेंड ऑप्शन है इसमें 256GB का, तो 256GB इंटरनल स्टोरेज के साथ अगर सैमसंग गैलेक्सी S23 FE के रेगुलर प्राइस की बात करें तो इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 2649 रियाल, मतलब की 2649 रियाल, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1799 रियाल, यानी कि 1799 रियाल। और 1799 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका कितना प्राइस हो जाएगा। अब ये अपडेट उन भाइयों के लिए है जो प्लम्बर का काम जानते हैं और उनका प्लान बन रहा है आने का सऊदी अरब के अंदर, तो अब सऊदी अरब में डिमांड है अभी फ्रेश प्लम्बर की।
5 कैंडिडेट चाहिए ऐसे प्लम्बर वाले, लेकिन इंडिया का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। दोनों तरह के इसमें पासपोर्ट चलेंगे, ECR एंड ECNR। रूम मिलेगा इसमें कंपनी की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से। अब 1600 सऊदी रियाल से ले पैकेज में आप कम का खाओ ज्यादा खाओ वो आपके ऊपर डिपेंड है। दोनों तरह के पासपोर्ट के साथ साथ एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 35 तक की, और इसमें रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, लेकिन इंडिया का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है फ्रेश प्लम्बर और वो आना चाहता अभा सऊदी अरब के अंदर, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। भाई मैं हूँ इस टाइम ड्यूटी पर, और ये वीडियो आ जाए या नहीं आए भाई मेरे को पता नहीं, लेकिन जिन भाइयों के पास ऑलरेडी वीजा वाले भाई का नंबर है आप उनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धूप पड़ रही है बहुत ज्यादा, मेरी आंखें भी नहीं खुलती। खैर इस चीज का फायदा है, थोड़े बहुत इससे जो है बचाव हो जाता है। खैर नेक्स्ट अपडेट इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको मिलेगी। ये है वीवो का लोगो, और ये लोगो मिलेगा आपको बैक साइड में। यहाँ पर ये है कैमरे का लुक। वीवो V30 लाइट में 5G नेटवर्क रहेगा, एंड्रॉइड मिलेगा इसमें 14। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो 5000 mAh की इसकी बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। राइट साइड में ये है इसके पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल, और इसके जस्ट अप साइड में मिलेगा वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल। ये है USB सी टाइप चार्जिंग पोर्ट, और ये इसमें मिलेंगे स्पीकर। बाकी इसकी बॉडी पर लेफ्ट साइड में कोई भी कंट्रोल नहीं मिलेगा आपको। वीवो V30 लाइट में जो है 12GB रैम मिलेगी और 256GB इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी। कैमरे की बॉडी पर ये मिलेगा स्फेरिकल हाई रेजोल्यूशन की बेजिंग, साथ में मिलेगी फ्लैश लाइट 50MP का, 8MP का और 2MP का इसमें कैमरा मिल जाएगा रियर में। वीवो V30 लाइट में अगर फ्रंट कैमरे की बात करें तो इसमें आपको 8MP का फ्रंट का कैमरा मिल जाएगा, और इसमें 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिल रही है, और इसमें 80W का जो है सुपर चार्जर मिल जाएगा। फाइनली वीवो V30 लाइट की अगर यहाँ पर रेगुलर प्राइस की बात करें तो इस वाली हाइपर मार्केट में इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 1099 रियाल, मतलब 1099 रियाल, और 1099 रियाल को जो है आप अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि आपकी कंट्री में इसका कितना प्राइस हो जाएगा। यह है सैमसंग गैलेक्सी A55। नेटवर्क की बात करें तो इसमें 5G नेटवर्क मिलेगा। इसके राइट साइड में बॉडी पर ये मिलेगा पावर ऑन ऑफ का कंट्रोल, और इसके जस्ट अप साइड में है ये वॉल्यूम अप डाउन के कंट्रोल। नीचे मिलेगा USB सी टाइप चार्जिंग पोर्ट। बैक में मिलेंगे आपको 3 कैमरा, साथ में मिलेगी एक फ्लैश लाइट। 6.6 इंच की जो है इसकी डिस्प्ले मिलेगी फुल HD में AMOLED टेक्नोलॉजी के साथ। 120Hz का जो है इसका डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट मिलेगा। IP67 वाटर रेसिस्टेंट टेक्नोलॉजी मिलेगी। सैमसंग गैलेक्सी A55 में 8GB रैम मिलेगी और 128GB और 256GB इंटरनल स्टोरेज इसमें आपको मिल जाएगी। तो आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कोई सा भी ले सकते हैं, 128GB या 256GB। सैमसंग गैलेक्सी A55 में 213 ग्राम का जो है इसका वेट रहेगा। रियर में है इसके 3 कैमरे। सबसे पहला मेन कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50MP का, दूसरा कैमरा मिलेगा 8MP का, तीसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 13MP का। सैमसंग गैलेक्सी A55 में इसमें 3 कैमरे हैं। सबसे पहला मेन कैमरा इसमें आपको मिलेगा 50MP का, दूसरा कैमरा इसमें आपको मिलेगा 12MP का। गैलेक्सी A55 में जो है 5000 mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलेगी। प्रोसेसर की बात करें तो इसका ऑक्टा कोर का चिपसेट रहेगा, और CPU की स्पीड रहेगी 2.75 GHz। सैमसंग गैलेक्सी A55 में 25W का जो है सुपर चार्जर मिल जाएगा। फाइनली अगर सैमसंग गैलेक्सी A55 के यहाँ पर रेगुलर प्राइस की बात करें तो 128GB के साथ इसका रेगुलर प्राइस रहेगा 1549 रियाल। डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1399 रियाल, मतलब कि 1399 रियाल, और 1399 रियाल को आप अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि A55 का आपकी कंट्री में कितना प्राइस हो रहा। नेक्स्ट इसमें आपको ऑप्शन मिलेगा 256GB इंटरनल स्टोरेज का, और उसका रेगुलर प्राइस रहेगा यहाँ पर 1699 रियाल, मतलब कि 1699 रियाल, लेकिन डिस्काउंट के बाद इसका प्राइस हो जाएगा 1525 रियाल, और 1525 रियाल को आप अपनी कंट्री के हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं कि इसका कितना प्राइस हो जाएगा। अब जो भाई POP का काम जानते हैं और उनका प्लान बन रहा है आने का बाहर, तो सऊदी अरब अभा के अंदर जरूरत है POP वाले कैंडिडेट की। इसमें सेले पैकेज फ्रेश POP वाले कैंडिडेट को मिलेगा 1600 सऊदी रियाल, और 1600 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी, जिसमें कि दोनों तरह के उसके पासपोर्ट चलेंगे ECR एंड ECNR। और POP वाले कैंडिडेट की एज लिमिट चाहिए 21 से लेकर 35 तक की। रूम मिलेगा कंपनी की तरफ से, और फ्रेश कैंडिडेट को सेले पैकेज मिलेगा 1600 सऊदी रियाल, और 1600 सऊदी रियाल सेले पैकेज में आप खाना आपकी तरफ से हो गया। तो आप खाना कम का खाओ ज्यादा का खाओ वो आपको डिपेंड है। कोई भी भाई इंटरेस्टेड है तो वीजा वाले भाई से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आज सुबह से ड्यूटी पर, तो इसलिए मैं रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा, इसी वजह से मेरी ज्यादातर रील्स नहीं आई आज फेसबुक पे।
क्योंकि ऑन ड्यूटी हूँ भाई, सबसे मेन चीज है ड्यूटी सबसे पहले, और डेली का रूटीन एक जैसा नहीं रहता, चेंज होता रहता, तो इसलिए थोड़ा बिजी चल रहा हूँ आजकल, वो आप सभी को मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि मैं किसी ऑफिस में बैठा नहीं हूँ कि आपके जिस टाइम कमेंट आए उसी टाइम आपको रिप्लाई मिले, क्योंकि आपके जैसे 1000 कमेंट आती है मेरे पास, समझे ना, सबको हैंडल करना होता और ना ही सबके कमेंट का रिप्लाई कर सकते, क्योंकि उसमें एक लिमिट आती है, लिमिट के अंडर में ही कमेंट पास करने होते हैं, वो सब आपको मैनेज करना होगा। कॉन्टेक्ट कैसे करना है, ट्रैवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल है जहाँ की आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं, इसी में आपको पूरी डिटेल के साथ आपके मोबाइल नंबर के डिजिट इंग्लिश में टाइपिंग करके देने होंगे, बस ये सिंपल सा तरीका। अगर आपके समझ में नहीं आ रहा इतने बताने के बावजूद भी, तो भाई आप अपने दिमाग का इलाज करा सकते हैं, उसमें मेरी कोई गारंटी नहीं है, उसमें आपका प्रॉब्लम है, मेरा जो काम है बताने का मैं अल्हम्दुलिल्लाह कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट डेली 15-16 घंटे। ये है सैमसंग गैलेक्सी बड्स 3, दो पीस मिलेंगे, दोनों ही मिलते हैं, समझ रहे ना, ये है अभी रेगुलर प्राइस में 649 रियाल के, मतलब कि 649 रियाल के। अलैक्सलाम, क्या है जी सर, खैरियत? फाइनली हो गई है अपनी ग्रोसरी, और ये ग्रोसरी हुई मेरी सिर्फ ओनली 60 रियाल की। ये मॉर्निंग में सिर्फ ब्रेक ब्रेकफास्ट का है, इससे बेटर ऑप्शन और दूसरा है भी नहीं, और ये बेटर ऑप्शन है क्योंकि उसमें टाइम का बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसमें टाइम वगैरह की कुछ भी मुश्किल नहीं है। और अच्छा लगा, बस एक दो मोबाइल कवर हो गए और काफ़ी सारे भाइयों से मुलाकात भी हो गई सर, जिनसे लगभग दो दो तीन तीन साल से कोई भी बात नहीं हो पाई थी, जो कि मदर से भी मिले करते थे बस। और सामने है ये माजमजम, मतलब कि मोया जमजम, यहाँ से लेता हूँ मैं ये 3-4 बोतलें। घर पे मैंने फ़ोन करके बोला कि जमजम का पानी चाहिए, तो बोल दिया कि हाँ चाहिए, तो ले लेता हूँ। 5 चाहिए, वैसे 2 मैं ऑलरेडी ले गया हूँ बिना कहे, लेकिन 5 की फरमाइश है, तो मैंने सोचा 3 और ले लें ये, तो यहाँ पर 3 बोतलें ये निकालनी है, और इसको लेके चलते हैं अब काउंटर पर। पहले काउंटर पर ही चलते हैं क्योंकि पहले इधर ही गया था मैं, देखते हैं किधर चलना किधर नहीं, किधर जुगाड़ लग जाए। जैसे ही हॉस्पिटल से आया उसके बाद मैं आ गया हूँ अभी लुलू हाइपर मार्केट में, और जा रहा हूँ अभी ऊपर थोड़ा सा फिर सामान देख कर आता हूँ कुछ, क्योंकि कुछ सामान की मेरे को ज़रूरत पड़ रही है। तो गाड़ी जो है उधर पार्क कर दी है। अपडेट की बात बताऊँ, आज का रूटीन ऐसा हो गया, पूरे सुबह 6 बजे का निकला हुआ हूँ मैं, और सुबह से रूम पर सिर्फ मैं एक ही बार गया हूँ बस, वो भी थोड़े से टाइम के लिए, बाकी बाहर ही बाहर हूँ। और आज इसीलिए कोई भी अपडेट कंटिन्यू नहीं आ पा रही, और ना ही मेरी वीडियो आई, नहीं तो हर दिन 6 बजे को वीडियो अपलोड हो जाती है, सिर्फ बजे यही है। चलिए अब अपडेट की तरफ बढ़ते हैं। अभी रियाज सऊदी के लिए चाहिए फ्रेश हाउस ट्रैवर, जिसमें कि फैमिली आपको प्रोवाइड कराएगी पूरे 1400 सऊदी रियाल, और 1400 सऊदी रियाल सेले पैकेज की गारंटी रहेगी, जिसमें कि आपके दोनों तरह के पासपोर्ट चलेंगे। अब इसमें सेली कम है ज़्यादा उसमें मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना सेले पैकेज सामने से मुझे इन्फॉर्मेशन में मिला मैंने वो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी, उतने सेले पैकेज की। अगर उसमें कोई इंटरेस्टेड है तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। रूम मिलेगा इसमें फैमिली की तरफ से, खाना रहेगा उसमें अपनी तरफ से, क्योंकि खाना अपना ही होता है और वो खुद के ऊपर डिपेंड करता कि आप कम का खाओ या ज़्यादा का खाओ। ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि ड्यूटी का कोई भी टाइम टेबल नहीं होता। अगर आप में से कोई इंटरेस्टेड है तो ट्रैवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल है जहाँ की आप ये वीडियो देख रहे हैं। अगर आप दूसरे दिन को फेसबुक पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल पर जाकर जो है आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका है कॉन्टैक्ट करने के लिए। अब जो जो भाई मेरे यहाँ दम्माम में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं, तो ये अपडेट सिर्फ उन्हीं के लिए हैं, क्योंकि मैं बताने वाला हूँ अभी उन भाइयों के लिए अपडेट जो कि प्लान करते हैं दम्माम के अंदर आने का। तो दम्माम के अंदर चाहिए अभी 2 ड्राइवर, लेकिन उनके पास सऊदी अरब का लाइसेंस होना ज़रूरी है, जिसमें कि लाइसेंस वैलिड है या एक्सपायर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइसेंस होना ज़रूरी है। फैमिली सेले पैकेज प्रोवाइड कराएगी पूरे 1800 सऊदी रियाल, और 1800 सऊदी रियाल सेले पैकेज की बिल्कुल गारंटी रहेगी जिन भाई की ये वीजा। दोनों तरह के इसमें पासपोर्ट चलेंगे, ECR एंड SNR। रूम मिलेगा इसमें फैमिली की तरफ से, ओपन ड्यूटी रहेगी क्योंकि ड्यूटी का कोई टाइम टेबल नहीं होता फैमिली ड्राइवर में। अगर आप में से भी कोई इंटरेस्टेड है फैमिली ड्राइविंग में आने के लिए तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बट कॉन्टैक्ट वही करें जिनके पास सऊदी अरब का लाइसेंस है, लाइसेंस वैलिड है या फिर एक्सपायर है उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट लाइसेंस होना ज़रूरी है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ट्रैवलिंग यासीन यूट्यूब चैनल है, उस पर आप मेरे को कॉन्टैक्ट नंबर के साथ कमेंट कर सकते हैं। बस ये सिंपल सा तरीका भाई, ये 1 मिनट की अपडेट अगर सही तरीके से देख लेगा बंदा तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, बट वीडियो देखते नहीं पूरी तो करें क्या। तो चलिए आज के इस वाले ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में।